दोस्तों, आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी सुनने जा रहे हैं जो फिल्म जगत का हीरो नहीं है, बल्कि एक क्रिकेट जगत का हीरो है। सचिन तेंदुलकर के बाद शायद ही कोई ऐसा हीरो होगा जिसने अपनी कम उम्र में क्रिकेट जगत में एक इतिहास रचा है। आप जानना चाहोगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है विराट कोहली। आप सभी जानते होंगे उसे, तो चलो उसके बारे में और जानना और सुनना चाहते हो तो उसकी कहानी डॉक्टर प्रेम के जुबानी। विराट कोहली। एक था चिकू, वह रोज शाम को जब भी खेल के मैदान में दिखाई देता तो बैट बॉल के साथ ही। एक बार मैदान में उसका कोई भी दोस्त नहीं आया जिसके साथ वह खेलता था। वह घर पर उदास बैठा था कि तभी उसके पिताजी दफ्तर से लौटे। उसने पिताजी से कहा, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलिए ना, आज मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। अपने सबसे छोटे और लाले बेटी की बात को वे कैसे टाल सकते थे? उन्होंने बॉल फेंकी और नन्हे चिकू ने जोर से बल्ला घुमाया। पिताजी हैरानी से देखते रह गए। उनके छोटे बेटे में क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है। उसकी रुचि को देखकर पिताजी ने चिकू को क्रिकेट एकेडमी में भेजना शुरू किया। बस उसके बाद तो देखते ही देखते चिकू क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चिकू है कौन जो क्रिकेटर है और हम उसे जानते तक नहीं, जबकि क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के तो लगभग सब बच्चे दीवाने हैं। यह चिकू नाम का बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम में मशहूर खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली ही है। जी हाँ, आपके मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली को सब प्यार से चिकू बुलाते हैं। एक बार बालक विराट को लगा कि उसके बाल टूटने लगे हैं। इस चिंता के कारण उसने अपने बाल छोटे छोटे करवाए। छोटे बालों में बालक विराट के बड़े बड़े कान खरगोश की तरह अलग ही दिख रहे थे, इसलिए उसके दोस्तों ने एक कॉमिक्स के चीकू खरगोश के नाम पर उसका नाम भी चीकू रख दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विराट कोहली के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी बनेगा और उनके नाम के साथ साथ भारत देश का भी नाम रोशन करेगा। लेकिन हमारे मन में किसी कार्य के प्रति लगन, उत्साह और जोश हो तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विराट कोहली का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ। उनके पिता प्रेम कोहली एक वकील थे। विराट ने बचपन में गली मोहल्ले के क्रिकेट से शुरुआत की। बाद में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में चयन हो जाने के बाद उन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों की अकादमियों में खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी शुरुआत 2002 में की थी। उनको पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया था। अंडर 17 की दिल्ली क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में 450 रन से ज़्यादा रन बनाए। एक मैच में तो वे 251 रन बनाकर नाबाद थे। जुलाई 2006 में विराट कोहली को अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड में उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 के औसत से रन बनाए। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इसी साल उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी साल विराट तब सुर्खियों में आए जब वे कर्नाटक के खिलाफ खेल रहे थे। इस मैच के दौरान उनके पिताजी का दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन वे मैच पूरा होने के बाद ही अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति कितनी दुख भरी होगी। उस स्थिति को बयान करना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच को जारी रखा और 90 रन बनाए। विराट के अनुसार, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई वह समय मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल समय था।
मेरे पिताजी ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। उनका सपना था कि मैं एक महान खिलाड़ी बनूं, जिसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। अप्रैल 2007 में विराट इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। फरवरी मार्च 2008 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया और वह मलेशिया में होने वाली इस सीरीज को जीत कर वापस लौटे। इस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिया कि वे न केवल एक अच्छे बल्लेबाज है बल्कि अच्छे कप्तान भी है। वर्ष 2008 में ही कोहली को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। जब आइडिया कप में सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग घायल होने के कारण मैच से बाहर थे, तब कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाकर भारत को सीरीज जीतने में अहम योगदान दिया। इस तरह अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कोहली ने लगभग हर सीरीज में अच्छे औसत से रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। वर्ष 2011 में कोहली ने अपना पहला विश्व कप भी खेला। वे विश्व कप के पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। कोहली ने अपने टेस्ट करियर में खूब धाक जमाई। IPL इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। कोहली को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2012 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विराट कोहली क्रिकेट के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समय निकालते हैं। मार्च 2013 में उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश्य है अनाथ व गरीब बच्चों की मदद करना। इस पाठ का मूल्य लगन, उत्साह, आत्मविश्वास तथा आत्मसंयम यह है। अगर ये तीन बातें हमारे अंदर हो तो कौन सी भी जीत हमारे लिए हासिल है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जीवन पर आधारित है। कोहली ने क्रिकेट में अपने बढ़िया प्रदर्शन से न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है बल्कि वे देश की युवा पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आज के कई नवयुवक खेलों में अपना जो दम दिखा रहे हैं ना, शायद ये इसी का परिणाम है। फिलहाल विराट कोहली ने हिंदी फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से विवाह करवा लिया है। अभी वो अपने वैवाहिक जीवन के साथ साथ क्रिकेट जगत में भी अपना रोब हमेशा दिखाते रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्रिकेटर की यह जो खेल की प्रतिभा है, ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहे और हमारे देश का नाम रोशन करती रहे। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।